मेरा नाम है अमित खट्टर और आज हम करेंगे मास्टर कैम के अंदर फिनिशिंग का ऑपरेशन ब्लेंड मिलिंग। तो इसमें हमारे पास दो सेक्शन होने चाहिए जिनके बीच में हमारे को ब्लेंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास कई ऑप्शंस हैं ब्लेंड करने के लिए। एक एग्जांपल हमारे पास ये है, इसमें हमने दो जगह ब्लेंड किया हुआ है, अक्रॉस किया हुआ है और अलॉन्ग किया हुआ है। तो एक हमारे पास टूल पाथ ये है और एक टूल पाथ हमारे पास ये है, ठीक है। तो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये दोनों टूल पाथ कैसे क्रिएट करने हैं। और एक और हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसको भी करके देखेंगे और एक एग्जाम्पल हमारे पास और है, इसको भी करके देखेंगे, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये तीनों एग्जाम्पल्स को हमें यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पार्ट खोल लेते हैं। इस पार्ट में हमने अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं किया हुआ, एक सीधी IGS फाइल है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लेंड का ऑपरेशन लगाते हैं फिनिशिंग के लिए, ठीक है। अगर मेरे पास कोई ऐसी शेप आ रही है तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो ऑब्वियस है मशीन लेनी है हमारे को, और ब्लेंड के लिए हमारे को दो कर्व्स होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हम वायर फ्रेम में जाके यहाँ पे कर्व ऑन एज की ऑप्शन है, तो हम ये वाली जो कर्व है इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा आ गई वो नहीं हमारे को चाहिए, तो इसको डिलीट कर दो। एक कर्व हमारे को ये चाहिए, एक कर्व हमारे को ये चाहिए, नीचे वाली कर्व चाहिए, ठीक है। तो वीडियो देखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि साथ साथ ओपन कर लो। अगर ये मॉडल चाहिए तो आप मेरे को मेल करो, व्हाट्सएप करो, तो मैं आपको ये मॉडल भेज दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, ठीक है। तो दोनों कर्व मैंने बना ली, उसके बाद मैं जाऊंगा ब्लेंड में। बहुत इजी है, सबसे पहले तो सरफेस बतानी है कि किस सरफेस को हमने ब्लेंड करना है और दो कर्व सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम 2D कर्व भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3D कर्व भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2D कर्व में कर्व सिलेक्ट करो एक, ये पूछ रहा है ब्लेंड चेंज सेकंड बताओ, तो सेकंड भी दे सकते हैं, ठीक है। ये तो थर्ड भी पूछ रहा है, पर थर्ड चलेगी नहीं क्योंकि दो ही चाहिए इसको। ओके करेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारे से टूल पूछेगा, तो टूल दे देते हैं हम, 6 mm का बॉल नोज दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद सरफेस पैरामीटर में रीट्रैक कितना करना है इनको एब्सोल्यूट कर दो, स्टॉक अगर छोड़ना है तो वो भी बता सकते हैं हम। कंपनसेशन टिप से करनी है या सेंटर से करनी है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिनिश ब्लेंड पैरामीटर में ये पूछ रहा है हमारे से स्टेप ओवर कितने का चाहिए, अक्रॉस चलाना है या अलॉन्ग चलाना है। मैंने कहा जी अलॉन्ग चलाना है, पहले अलॉन्ग चलाते हैं फिर देखते हैं अक्रॉस में कैसे होगा। कटिंग मेथड क्या है, जिगजैग है हमारे पास, वन वे है, स्पाइरल है, तो जिगजैग चलाते हैं, ओके करेंगे। तो जितना हमने स्टेप ओवर दिया होगा उसके हिसाब से हमारा जो ऑपरेशन है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। टूल पाथ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा उसके हिसाब से चलने लगेगा, ठीक है। फास्ट कर देते हैं। अगर मैं इसके अंदर पैरामीटर में जाके या अलोंग की जगह अक्रॉस कर देता हूँ जनरेट, तो ये टूल पाथ जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी। अब जो ये टूल पाथ चलेगा ये कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पैरामीटर में जाके हम जिगजैग की जगह पहले अलाउ कर देते हैं, जिगजैग की जगह वन वे कर देंगे, तो ये टूल जो है
ऊपर को उठने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सही नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारा टूल ज़्यादा लिफ्ट हो। स्पाइरल में भी सेम प्रॉब्लम आएगी। जितना स्टेप ओवर होता है उसके हिसाब से ये टाइमिंग लगती है, तो ना हमारे को ये ज़िगज़ैग ही ठीक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक गैप सेटिंग है, इसमें ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर ऑन कर लेना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो अपने आप सरफेस के हिसाब से देखेगा कि मुझे पहले किस साइड जाना है, उसके बाद दूसरी साइड किस साइड जाना है। ठीक है, ऑप्टिमाइज वैसे हमेशा सब में ही ऑन कर देना चाहिए जब भी फिनिशिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। अगर यहाँ पे हम प्रोग्राम बनने के बाद हमारे को याद आया नहीं ये हमारा जेड सही जगह पर नहीं है, तो हम इसको मूव टू रीजन चेंज कर सकते हैं, और हमारे को कुछ नहीं करना, जस्ट इसको रीजनरेट करना। तो ये मास्टर कैम की बड़ी अच्छी खासियत है कि ये याद रखता है कि हमारी सरफेस कौन सी है और कर्व कौन सी है। ठीक हो गया, अब सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास, हमने ये वाली सरफेस के ऊपर चलाना है, तो फिर से हम टूल पाथ ले लेंगे ब्लेंड का। अब ब्लेंड में क्या है, हम सरफेस तो सिलेक्ट कर लेंगे बट हमने कर्व नहीं अभी तक बनाई, तो पहले हम कर्व बना लेते हैं। इसको कैंसिल करके इसका कलर भी ठीक कर लो और वायर फ्रेम में जा के कर्व ऑप्टिमाइज कर लो, एक्सट्रैक्ट कर लो कर्व, है ना। एक कर्व एक्सटेंड हो गई, ठीक है, एक कर्व और एक्सटेंड कर लेते हैं। मैं आपको इसमें एक चीज दिखाऊंगा, ये देखो ये जो लाइन है ब्रेक है, तो ये जो एग्जांपल हम कर रहे हैं ये इसी ब्रेक के लिए कर रहे हैं कि हमारी जो कर्व है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जब हम ब्लेंड में सेलेक्ट करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ, जब हम ब्लेंड में सेलेक्ट करेंगे ये सरफेस और एक कर्व ये और सेकंड कर्व ये, तो ये देखो यहाँ पे रुक जाएगी, तो ये गलत है। इससे क्या होगा, दोनों ब्लेंड हो नहीं पाएंगे, हमारे को पूरी कर्व चाहिए। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर रहा हूँ मैं दोबारा से, ये वाली लाइन को डिलीट करके यहाँ से हम खुद से लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रेडियस लगा हुआ है तो यहाँ पे भी रेडियस लगा देते हैं ताकि शार्प एज बनाने में भी उसको कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो कोई चक्कर नहीं है, अगर शार्प एज होगा भी तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम बना सकते हैं। ठीक है, अब जाएंगे हम ब्लेंड में, सरफेस सेलेक्ट की थी, एक कर्व ये और एक कर्व ये, अब दोनों सेलेक्ट हो गई। डायरेक्शन ध्यान रखना दोनों की सेम होनी चाहिए। ओके करेंगे, ओके करेंगे, थोड़ा सा स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, वैसे नहीं बढ़ाना, वैसे तो ये पॉइंटों में ही होगा। ठीक है ना, जितना टूल का डाया है उसका 10% 5% ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑपरेशन है हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाना है। एक एग्जांपल हम और करेंगे, ये वाले, इसको डोंट सेव कर देते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी सेव है। अब इसमें उसमें फ़र्क क्या है, उसमें हमने 2D कर्व ली थी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये टूल पार्ट डिलीट कर रहा हूँ और दोबारा ले गए। इसमें हमने क्या करना है, ब्लेंड में अब पहले मैंने एक्सट्रैक्ट की थी, इसमें हम 3D कर्व ही सिलेक्ट कर लेंगे, एक कर्व ये और एक कर्व ये। ठीक है, तो ब्लेंड का फायदा यही होता है, यहाँ से स्ट्रेट है, इस साइड से गोल है, दोनों को हमारे को मैच कराना है।
ठीक है, सरफेस हमारे को तीनों सेलेक्ट करनी है, बट कर्व हमारे को दो ही सेलेक्ट करनी है। मतलब कोई जरूरी नहीं है हमारे को 2D कर्व बनानी, ठीक है, हम 3D कर्व से भी काम कर सकते हैं। तो टूल पाथ पे जाएंगे, प्ले करके देखेंगे तो बहुत ही इजीली सामने। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है सारे को इकट्ठा चलाना, आप कोई कह सकता है कि ये वाली जगह पे सही नहीं बना, तो हम एक ब्लेड का ऑपरेशन और लेके इस सरफेस को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्लेंड कर्व में एक है जी ये और एक है जी, तो उतने एरिए को आप अलग से चला लें, ठीक है ना, फिनिशिंग के लिए। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बन गया ये, ठीक है। एक और ऑप्शन दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल और है, ये इसमें क्या हुआ, इसमें अब इस साइड तो हमारी गोल ऑप्शन है बट इस साइड जो है स्ट्रेट है, ठीक है। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो अगर हम देखेंगे तो इस साइड जो है ये गोल सरफेस है, गोल एज है, इस साइड स्ट्रेट है, पर ये जो हमारे को कॉर्नर मिस हो रहे हैं, अगर मैं सिर्फ ब्लेंड करते हुए ये सरफेस लूँ एंड सिलेक्शन और एक कर्व ये ले लूँ और एक यहाँ पे सिंगल कर्व कर देते हो और एक कर्व ये ले लेते हो, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा गैप जो है छोड़ देगा किनारों से, ठीक है। तो इसका हल हमने क्या किया, इसका हल हमने कहा कि हमारे को एक कर्व तो ये चाहिए, ठीक है, और सेकंड कर्व में हमने ये फिलेट को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये फिलेट भी ले ली साथ में और ये फिलेट भी ले ली, ठीक है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कर्व को हम अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं, ओके करेंगे, ओके करेंगे, तो ऐसे होंगे। अगर इसको क्रॉस कर दें, तो कह रहा है एग्जैक्टली टू चेंज होनी चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो लोग भी मास्टर कैम, पावर मेल या कोई और सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं कैड कैम से रिलेटेड, सबके साथ वीडियो शेयर करनी है, और जिसकी भी ये बन जाए ड्राइंग मेरे को व्हाट्सअप जरूर करना फ़ोटो बना के, ताकि पता लगे कौन कौन लोग वाकई सीख रहे हैं।